Good morning, students. Today we are going to discuss quantity aptitude quiz based on 2D mensuration for IBPS 40th February 2019, and this is the day 22. Today's topic is 2D mensuration. Now, first question is, the parameter of a square is equal to twice the perimeter of a rectangle of length of 8 cm and width is 7 cm. What is the circumference of a semicircle whose diameter is equal to the side of the square? और जो हमें आंसर चाहिए वो राउंड ऑफ में 2 डेसिमल में चाहिए. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इस 4 स्क्वायर की सारी साइडेज इक्वल होती हैं. सो 4 ए एंड सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + b. एंड हमें गिवन है जो लेंथ है रेक्टेंगुलर की वो है 8 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ है वो 7 सेंटीमीटर. सो इन अकॉर्डिंग द फर्स्ट लाइन, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 7 सेंटीमीटर. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l + b, बट इज 2 टाइम्स. So 2 × 2, so we can say a is equal to l + b, and l + b is given in 8 cm and 7 cm. So a is equal to 8 + 7, so a ki value yahan se aa jayegi 15 cm. Now फिर व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है सेमी सर्कल का जिसका डायामीटर है इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर. यानी साइड जो हमें फाइंड हो गई 15 सेंटीमीटर. सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्किल ये होता है 2πr इसका फुल सर्किल का, बट सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल हाफ सर्किल यानी कि इसका हो जाएगा ये जो एरिया है ये जो बाउंड्री इसकी πr, एंड ये भी हो जाएगा काउंट करेंगे ये क्या है r एंड r, सो प्लस 2r. सो सेमी सर्किल सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल इज πr प्लस 2r. हमें यहाँ से डायामीटर, डायामीटर इक्वल के तो हम इसको आर को डायामीटर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं पाई डी बाई 2 प्लस डी. अब डी की वैल्यू ए बराबर डी था, सो डी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ से. सो 20/7 पाई की वैल्यू एंड 15/2 इक्वल टू 7.5 प्लस 15, इसको आगे सॉल्व करते हैं 22 का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 में करने पर 154 एंड 22 का हाफ यानी 22 का 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर 11 प्लस 15. इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं ऐड करते हैं 154 प्लस 11 सो 165 बाय 7 प्लस 15. इसको डिवाइड करते हैं 165 बाय 7 तो 2 टाइम्स एंड 3.57 23.57 plus 15, so overall
38.57 सेंटीमीटर हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। सो ये थोड़ा सा अप्रॉक्स में वैल्यू लिया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 132 सेंटीमीटर। वॉट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसका सर्किल सर्कमफेरेंस होता है 2πr, जो कि हमें गिवन है 132 इक्वल टू 2πr। अब r की वैल्यू हमें फाइंड है 5x। r की वैल्यू यहाँ से ऐसे पुट करेंगे, जैसे कि दिया हुआ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5। जो रेक्टेंगल है लेंथ, रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इस 3/5, यानी कि जो रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का लेंथ है हो गया वो 3x, हम लेट कर लेते हैं तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 5x हो जाएगा। एंड जो सर्किल है होगा, सर्किल की जो रेडियस है वो साइड ऑफ स्क्वायर की इक्वल है, यानी कि सर्किल का रेडियस 5x हो गया इक्वल टू। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3x एंड लेंथ ऑफ या साइड ऑफ स्क्वायर इज 5x एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 5x। सो यहाँ से 132 इक्वल टू 2 × 20/7 एंड r की वैल्यू 5x पुट कर दिया यहाँ से। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एंड x की वैल्यू यहाँ से हो गई 21 by, यहाँ से ये कटने के बाद 3 आ जाएगा। सो यहाँ से जो x की वैल्यू 21/5 सेंटीमीटर, या x को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं पॉइंट में, 4.2 सेंटीमीटर x की वैल्यू। सो यहाँ से x की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर आ गई। अब हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगल का, साइड ऑफ स्क्वायर का एंड रेडियस ऑफ सर्किल का x की वैल्यू फाइंड होने पर। सो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 5x, 5 × 4.2, सो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से 3x के हमें एक्चुअल में फाइंड करना था। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 × 3x एंड 3 × 4.2। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12.6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एल हमें फाइंड हो गया है 12.6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। सो यहाँ से 8 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 एंड 0.6 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 4.8। सो ओवरऑल 100.8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज
द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 3/5 ऑफ दैट ऑफ अ स्फीयर, द वैल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4000π/3 मीटर क्यूब, इफ रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड दैट ऑफ द सर्किल इज 14:11, देन वॉट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर. वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3πr³. एंड गिवन है हमें यहाँ से π/3 जो कि इक्वल हो जाएगा फॉर्मूले के. यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे 3π/4, तो r³ इक्वल टू एंड r इक्वल टू 10 मीटर. एंड रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल जो कि 3/5 है, तो 3/5 × 10, 3/5 × 10 क्योंकि 3/5 था रेडियस ऑफ स्फीयर का. सो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्किल इज 6 मीटर. एंड रेशियो में गिवेन है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्किल 14:11. एरिया ऑफ स्क्वायर की जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्किल π r², सो पाई 6 मीटर हमें सर्किल का पता है रेडियस, तो 6 × 6 एंड 14/11. सो यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर लें सो 22/7, 7 2 times गया एंड 11 2 times गया. सो a² = 2 × 2 × 6 × 6 यानी कि a की वैल्यू 12 मीटर. फाइंड करना हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a, सो 4 × 12 48 मीटर. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड एंड दैट ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 32 मीटर, वॉट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड. क्वेश्चन में हमें गिवन है जो डिफरेंस है दोनों का वो 32 मीटर है. सो 2πr माइनस 4a इक्वल टू 32 मीटर, क्योंकि हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी कि r की वैल्यू हम a पुट कर सकते हैं. सो 2πa, a हमने a को इस फॉर्म इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है जो कि a की वैल्यू में हमें आंसर चाहिए. तो 4a इक्वल टू 32. पैरामीटर ऑफ सर्किल माइनस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 32. यहाँ से हमने 2 × 11/7 × 2 कर दिया.
ए माइनस फोर ए स्क्वायर टू 32, 4 ए कॉमन हो गया, सो 11 बाई 7 माइनस 1 स्क्वायर टू 32, यहाँ से 8 टाइम्स गया, ए की वैल्यू 8 इंटू इधर से एलसीएम ले लेंगे तो 4 बाई 7 यानी कि 7 बाई 4, सो 8 2 टाइम्स गया, सो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 14 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4a यानी कि 14 इंटू 4, सो आंसर इज 56 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेल विथ 21 मीटर डायामीटर इज डग 10 मीटर डीप, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवेनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विथ ऑफ 14 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज। एक वेल है, इसकी डायामीटर 21 मीटर यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 मीटर रेडियस हो गया। अब एक डग है 10 मीटर डीप यानी कि इसमें जो है कुआं है 10 मीटर की गहराई तक की डग को निकाला जाता है, सो डग को 10 मीटर तक की निकाला जाता है और उसे कुएं के चारों ओर वेल के चारों ओर फैला दिया जाता है, जिस फैलाने के बाद जो इसकी विड्थ हो जाती है वो 14 मीटर की विड्थ हो जाती है। सो 14 मीटर की हमने विड्थ तक की इसको फैला दिया, अब कितना इसको फैलाने के बाद कितना हाइट ऊपर उड़ गया है वो हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें जितना जितना डग बाहर निकाला गया है उसका वैल्यूम कितना था वो हम फाइंड करेंगे। सो वैल्यूम ऑफ इजेक्टेड डग, वैल्यूम ऑफ इजेक्टेड डग कैसे निकला होगा, वो एक बेलनाकार शेप में रहा होगा तो उसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ से पाई की वैल्यू 22 बाई 7 और आर है 10.5, कह सकते हैं इसको 21 बाई 2 एंड एच 10 मीटर का हमने निकाला था डग, सो 10 मीटर का डग यहाँ से हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं 2 5s are 10 एंड 11, सो 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 5, सो 11 इंटू 33 इंटू 105, 33 का 105 मल्टीप्लाई करने पर पहले 30 का 105 मल्टीप्लाई किया सो 3150 एंड 105 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई किया तो 315। सो वैल्यूम ऑफ द डग, वैल्यूम ऑफ इजेक्टेड डग इजेक्टेड डग इज इक्वल टू 3465 मीटर क्यूब। इतना हमने डग बाहर निकाल लिया, अब इसको फैला दिया है चारों तरफ, सो जो हम हाइट इसकी जो बड़ी है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्क्वायर टू लेट हाइट स्क्वायर टू एच मीटर। सो टोटल हमें इसका एरिया निकालना है कितना कितना बढ़ गया है, सो टोटल में से टोटल जो एरिया था टोटल एरिया में से हम इस एरिया को घटा दें, टोटल जो सर्किल है उसमें से इनर सर्किल का एरिया को घटा दें तो हमें इसकी इसके एरिया फाइंड हो जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर एच पूरा पहले पूरा कर लेते हैं तो पाई कॉमन हो जाएगा दोनों से सब्ट्रैक्ट करने पर, आर स्क्वायर आर 10.5 एंड 14 स्क्वायर टू 24.5,
स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एंड 21/2, इसको घटा रहे हैं तो 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं, 10.21/2 स्क्वायर एच इक्वल टू इसके एरिया के बराबर हो जाएगा 3465। सो अब इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो पाई को 22/7 एज इट इज नोट किया एंड 24.5 प्लस 21/2 को हम 10.5 लिख लें, सो 24.5 प्लस 10.5 35 एंड 24.5 माइनस 10.5 इज 14 एच स्क्वायर टू 3465। यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करते हैं, 7 5 5 टाइम्स जाएगा एंड एच एच स्क्वायर टू 3465 अपॉन 22 इंटू 5 एंड इंटू 14। सो इसको सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, फाइव से इसको डिवाइड किया, सो सिक्स नाइन थ्री। इधर सॉल्व कर लेते हैं, सो एच की वैल्यू यहाँ से 693 अपॉन 22 इंटू 14, 22 11 से किया 11 6 एंड 11 3, तो एच की वैल्यू 63 अपॉन 14 इंटू 2, 7 से किया 9, यानी एच की वैल्यू 9/2 मीटर। एच को फिर डिवाइड करते हैं तो 4/1/2 4:1/2 मीटर आंसर हो जाएगा। एच स्क्वायर टू 9/4 था एंड एच की वैल्यू यहाँ से 4 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ईच डायमेंशन इन मीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज एन इंटीजर लेस देन 17, द वैल्यू ऑफ द सॉलिड इज 3120 क्यूबिक मीटर। इफ द हाइट ऑफ द सॉलिड इज 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 15 मीटर, वॉट इज द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सॉलिड का, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ से हमें वैल्यूम गिवेन है, वैल्यूम होता है एल बी एच, एल बी एच स्क्वायर टू गिवेन है 3120। यहाँ से एल की वैल्यू एंड हाइट एंड लेंथ गिवेन है, हम ब्रेथ निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। सो 16 इंटू 15 इंटू बी स्क्वायर टू 3120। यहाँ से 15 एंड बी स्क्वायर टू 208/16। सो बी की वैल्यू
13 मीटर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ से, 2 LB, 2 L यानी 15 × 13 प्लस 16 है। हाइट ऑफ द सॉलिड इज, हाइट इज इक्वल टू 16 एंड लेंथ इज इक्वल टू 15। सो लेंथ 15 × 13 एंड ब्रिथ 13 × 16 प्लस हाइट 16 × 15। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 10 times 150 and 15 3 are 45, सो ओवरऑल 195 प्लस 13 × 16 208 प्लस 16 × 15 240। सो ऐड करने पर 3 and 4 and 6 2 × 6 = 43। सो टोटल सरफेस एरिया इज 1286 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द एरियाज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 12 cm², 20 cm² एंड 15 cm². देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का। सो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ एंड ये हाइट। सो कॉन्सिक्यूटिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड का जो मल्टीपल है यानी कि LH एंड BH एंड HL का जो जो इस जो मल्टीपल है या एरिया है वो 12, 20 एंड 15 हो सकता है। बट फेसेस इन्होंने डिनोट नहीं किया कि कौन सा फेस है, हम कोई सा भी 12 इसको भी ले सकते हैं, 20 इसको ले सकते हैं, 15 इसको ले सकते हैं, कोई भी हम कॉन्सिक्यूटिव टू फेस को हम ले सकते हैं। सो मल्टीप्लाई बाई 1, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सो एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर 12 × 20 × 15 एल बी एच स्क्वायर टू 12 × 20 × 15। सो एल बी एच स्क्वायर टू 4 × 3 and 5 × 4 and 5 × 3। सो यहाँ से अगर हम इसको 4 and 4 1 times, 5 and 5 1 times एंड 3 and 3 1 times, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 60 cm³। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बॉल ऑफ लेड 4 cm इन डायामीटर इज कवर्ड विथ गोल्ड। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लीड आर इक्वल, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लीड आर इक्वल देन द थिकनेस ऑफ द गोल्ड, हमें थिकनेस जो हमें गोल्ड की वो हमें फाइंड करनी है अप्रॉक्सीमेट में। सो डायामीटर जो लेड बॉल था उसका डायामीटर 4 cm, सेज आर इज इक्वल टू 2 cm एंड कवर्ड विद गोल्ड। सो जो गोल्ड का जो थिकनेस है उसे लेट कर लेते हैं ये आर थिकनेस इसकी। सो और इफ द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड
एंड लिड आर इक्वल, सो वैल्यूम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ लेड। सो वैल्यूम ऑफ गोल्ड, गोल्ड ये है, सो हम वैल्यूम ऑफ गोल्ड कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सर्किल में से इनर सर्किल को के वैल्यूम को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल वैल्यूम, टोटल वैल्यूम क्या हो जाएगा, पहले 4/3 पाई 2 प्लस आर क्यूब माइनस इनर सर्किल को सबट्रैक्ट करेंगे 4/3 पाई 2 का क्यूब एंड इक्वल टू वैल्यूम ऑफ द लेड, वैल्यूम ऑफ द लेड इज इनर सर्किल, सो 4/3 पाई 2 का क्यूब, सो 4/3 पाई बोथ साइड कैंसिल, सो 2 प्लस आर का क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, 2 प्लस आर क्यूब एंड इक्वल टू 16, उधर जा करके ऐड हो जाएगा एंड 2 प्लस आर, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 8 × 2 एंड क्यूब रूट, सो 2 प्लस आर इक्वल टू 2 × क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ से, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे 2 प्लस आर इक्वल टू 2 × 1.259, यहाँ से आर की वैल्यू 2 को हम अगर इधर भेज देते हैं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि हम 2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर 1.259 माइनस 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर 2 × 0.259 बचेगा, सो आर की वैल्यू यहाँ से 0.58 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द कर्व सर्विस इज 814 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वैल्यूम, हमें फाइंड करना है वैल्यूम ऑफ द कोन। सो हमें गिवन है एरिया ऑफ द बेस, कोन का जो बेस होता है इस शेप में होता है, यानी सर्किल शेप में होता है, सो एरिया ऑफ सर्किल और बेस ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हमें गिवन है 770, तो 770 इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर, सो 70, आर की वैल्यू 7 × 5 × 7, सो आर की वैल्यू यहाँ से हो गई 7√5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट लाइन इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है कोन का, एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल एंड गिवन है हमें 814, सो 814 इक्वल टू 22/7 आर हमने फाइंड कर लिया है, एल की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, एल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं 7 कैंसिल एंड 4 times, यानी एल की वैल्यू यहाँ से 37√5 सेंटीमीटर, हमें आर फाइंड हो गया 7√5
एंड एल हमें फाइंड हो गया 37 बाय रूट 5। हमें फाइंड करना है एच, क्योंकि वैल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच की वैल्यू, वैल्यूम निकालने के लिए एच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम एच की वैल्यू यहाँ से पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। ये ऐसे हैं राइट एंगल साइड में, तो 7/5 एंड 37/5। यहाँ से एच की वैल्यू हम पाइथागोरस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर स्क्वायर टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर स्क्वायर टू थर्टी सेवन अपॉन रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस आर, यानी 7/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू 37 का स्क्वायर कितना होता है 35 12 96, एंड 36 13 69 37 is 1369 अपॉन 5 माइनस 7 7 49 into 5 245 245। सो एच स्क्वायर स्क्वायर टू एलसीएम ले लेते हैं 1369 माइनस अपॉन 5। सो सब्ट्रैक्ट करने पर 144/5। सो एच की वैल्यू यहाँ से 12/5 सेंटीमीटर। वैल्यूम ऑफ द कोन, कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आर है 7/5 एंड एच की वैल्यू 12/5। सो 7 7 एंड 5 से 5 एंड 4 टाइम्स यहाँ से 22 into 7/5 into 4। फाइव सिक्सटी प्लस 5 6 root 5 वी कैन से 616 root 5 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर क्यूब। सो आंसर इज 616 root 5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ 1 सेंटीमीटर थिक पाइप इज 44 सेंटीमीटर। हाउ मच वाटर विल 7 सेंटीमीटर ऑफ द पाइप होल्ड। इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल, जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर का एंड इसकी सर्कमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू यहाँ से 7 सेंटीमीटर। ये था टोटल रेडियस एंड इनर सर्किल का 1 सेंटीमीटर थिक था, तो इनर सर्किल रेडियस ऑफ पाइप इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
सो वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना, हाउ मच वाटर विल सेंटीमीटर पाइप होल्ड, यानी वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, सो 22/7 इंटू 6 एंड हाइट वाटर इतना, इतनी हाइट का फिल करना है तो 7 22 इंटू 36, 36 का मल्टीप्लाई 20 में करते हैं तो 720 एंड 36 का 2 मल्टीप्लाई 72, सो 792 सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, टू सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड आर रिकास्ट इनटू सिलेंड्रिकल डिस्क ऑफ अ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द डिस्क. हमें जो रेडियस फाइंड करना है जब जब हम इस दोनों सिलेंडर को कंबाइंड करके एक नया सिलेंडर बनाते हैं तो उसकी हमें रेडियस फाइंड करना है. सो टोटल वैल्यूम V1 प्लस V2, V1 सिलेंडर का वैल्यूम होता है पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, R1 R4 है एंड लेंथ हाइट जो है 6 है, 22/7 R1 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 प्लस R स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, सो 22/7 96 प्लस 100 22 into 28 का मल्टीप्लाई करने पर 560 एंड 56 सो 616 सेंटीमीटर क्यूब, यानी टोटल वैल्यूम इक्वल टू 616 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसी वैल्यूम का एक बड़ा सिलेंडर बनाया गया है तो उसका वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यूम इसके इक्वल होगा. सो 616 इक्वल टू 22/7 आर की वैल्यू में फाइंड करनी है एंड हाइट इज 1, हाइट इज 1, थिकनेस इज 1, सो 1 इसको अगर हम ये नोट कर लेते हैं 22 इंटू 28, तो यहाँ से 22 28 कैंसिल एंड 28 को चेंज कर दें 7 इंटू 4 एंड ये 7 इधर चला जाएगा. सो 7 इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर की वैल्यू 7 इंटू 2 यानी 14 सेंटीमीटर. सो हमें आर ही फाइंड करना था एंड आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now next question is question number 12. Question number 12, the diameter of the base of a cylindrical drum is 35 decameter and the height is 24 dm. It is full of kerosene. How many rectangular tins each of size 25 cm, 22 cm and 35 cm can be filled with kerosene from the drum. Let kar lete hain number of tins and in sabko centimeter mein change karenge to 350 cm and 24 dm ko 240 cm. तो n टिन्स का वैल्यू
ये एन टिन्स जो बनाए जाएंगे वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम के बनाए जाएंगे। तो इनका वॉल्यूम दिया गया है वॉल्यूम ऑफ टिन्स का n इंटू एल बी एच 25 इंटू 22 इंटू 35 एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल इज पाई आर स्क्वायर एस, सो 22 बाई 7 350 डायामीटर है 350 तो रेडियस हो जाएगा 350 बाई 2, सो 350 बाई 2 into 350 by 2 and height is 240 यहाँ से 22 cancel and 35 cancel 10 and 5 times cancel 15 and 60 times cancel, so n is equal to 10 into 15 to 60 and 25 is 25, so number of tins is equal to 1200. So option number A is correct for question number 12. Now next question is question number 13. Question number 13, a path of uniform width surrounds a circular park. The difference of internal and external circumference of this circular path is 132 meter. Its width is. Circular park, inner circle and outer circle. R and इनर सर्किल का आर, इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस हमें गिवन है, तो हम दोनों का सर्कमफ्रेंस लगा देते हैं। 2 पाई आर बड़े वाले सर्किल की रेडियस हम लेट कर लेते हैं कैपिटल आर एंड 2 पाई आर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ इनर सर्किल इक्वल टू 132। सो 2 पाई कॉमन ले लिया यानी कि 44 बाई 7 आर माइनस आर स्क्वायर टू 132। इलेवन से डिवाइड करते हैं एंड थ्री टाइम्स, सो आर माइनस आर स्क्वायर टू 7 इंटू 3 यानी 21 मीटर हमें डिफरेंस फाइंड करना था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का। शो ऑप्शन नंबर C is correct for question number 13. Now next question is question number 14. A person observed that he required 30 second time to cross a circular ground along its diameter, then to cover it once along the boundary if his speed was 30 meter per minute. देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, हमें सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस फाइंड करना है। जो स्पीड थी 30 मीटर पर मिनट थी, सो स्पीड अगर वो मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 1/2 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन था वो एक बार सर्कुलर ग्राउंड अलोंग द डायमीटर, एक बार वो अलोंग द डायमीटर जाता है एंड कवर इट्स अलोंग द बाउंड्री, एक बार बाउंड्री के अकॉर्डिंग जाता है। सो उसे 30 सेकेंड ज़्यादा लगता है जब वो बाउंड्री से जाता है और डायमीटर के अकॉर्डिंग जाता है। तो सो 2 पाई आर, जब वो बाउंड्री से जाता है तो 2 पाई आर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने की स्पीड से, 1.1/2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड जब वो डायमीटर के अकॉर्डिंग जाता है तो डायमीटर के अकॉर्डिंग R एंड R 2R जाता है, 2R 1/2, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना लगता है 30 सेकेंड का, सो 30 सेकेंड 2R कॉमन ले लिया
जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, सो ये 4 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दें 4 पाई आर माइनस 4 आर इक्वल टू 30। यहाँ से 4 और कॉमन ले लिया, पाई माइनस 1 यानी 22 बाई 7 माइनस 1 इक्वल टू 30। एलसीएम लिया 4 22 माइनस 7 15 बाई 7, सो 4 आर इक्वल टू 15 बाई 7 इक्वल टू 15 बाई 2, ये 2 जब उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा 2, 15 से 15 कैंसिल, सो आर इक्वल टू 7 बाई 2, आर की वैल्यू 3.5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्विज। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:5। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, अब हम एरिया ट्राइंगल का एरिया राइट एंगल साइड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो हमें साइड्स गिवेन है वो 1 5 3 4 यानी कि पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहे हैं। चेक करके भी देख लेते हैं, 5 5 स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, सो 25 एंड 9 एंड 16, 25 इज़ इक्वल टू 25, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट इक्वल टू हमें गिवन है 216। सो बी 4 × 3 इक्वल टू 216। रेशियो के फॉर्म में तो 4x × 3x करते हैं, सो 2 यानी कि 6x² इक्वल टू 216, सो x² इक्वल टू 36 एंड x की वैल्यू यहाँ से 6। सो फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x 12x, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 12 × 6 यानी कि 72 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 72 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, सो थैंक यू। Hello students, welcome to this session. Today we are going to discuss the English quiz for IBPS 2019 exam, and today it's 14th of February, so we are going to discuss the quiz of 14th February. This is the day 22 of the ongoing plan, that is कर IBPS 2019 FATEH। 6 month का preparation plan है, अगर आप regular practice करते रहेंगे तो आपका selection 100% हो जाएगा। सो आज का हमारा क्विज है वर्ड यूसेज, और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको अगर आप इस क्विज को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस लेटेस्ट पैटर्न से फेमिलियर हो जाएंगे, और आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में जब आप ये पैटर्न देखेंगे तो ये आपको नया नहीं लगेगा। नाउ डायरेक्शंस क्या देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विद अ वर्ड गिवन इन बोल्ड। एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड है बोल्ड में। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन 3 sentences आर गिवन, फिर 3 और दिए हैं विद द यूज ऑफ द सेम वर्ड, वही सेम वर्ड 3 sentences में फिर से यूज है। फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द सेंटेंसेस व्हिच गिव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस अबव। द मीनिंग यूज्ड इन द सेंटेंसेस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड इन द मेन सेंटेंस। अब आपका एक ये होमोग्राफ्स है,
ठीक है, वर्ड सेम है बट उसके मीनिंग डिफरेंट है. तो आपको एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स पता होने चाहिए. देन आपको वो वर्ड बताना है जिसका डिफरेंट है, सेम नहीं बताना है, डिफरेंट बताना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. द बार्क ऑफ दिस ट्री इज वेरी रफ. तो ये कौन सी बार्क है? ये ट्री की बार्क है. इससे डिफरेंट, दैट डॉग इज ट्रेन्ड टू बार्क एट स्ट्रेंजर्स. डॉग वाला है, यानी ये डिफरेंट मीनिंग हो गया. डॉग की बार्क होती है और एक ट्री की, तो ट्री वाला ये है. Dogs that bark a lot usually aren't dangerous. This is also different. The bark was riven off from the trunk. Trunk किसका होता है? Tree का. तो ये same वाली है, यानी ये different नहीं है. तो आपका answer क्या हो जाएगा? Both one and two. Question two. Tom has the habit of biting his nails. कौन से nails हैं ये? Finger nails हैं. Drive the nails into the board. ये कौन सी nails हैं? ये कील है. ठीक है. Tom pulled some nails out of the wall. ये भी वही है. Tom went to the hardware store to buy some nails. अब इन finger nails से ये तीनों different हैं, तो all one, two and three. Next, do you think I can jam all these clothes in this suitcase? ये कौन सा jam है? Pack करना tightly, squeeze और pack tightly. ठीक है, ये वो वाला है jam. We were stuck in a traffic jam. ये भी वही हो गया एक तरीके से. We were stuck in a traffic jam. Same हो गया ये, अलग चाहिए हमें. The knives and forks were kept in a jam jar. ये आपका खाने वाला jam. The authorities were unable to jam this wavelength. ये भी similar है. तो आपका different meaning कौन सा है? Only two. Okay students. Students, अगर आप preparation banking की new है preparation में, if you are a new aspirant, तो आपको ये पता होगा कि अब जो exams है वो online होते हैं. Offline concept खत्म हो चुका है. So आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? अगर आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो हाँ, आप अपना पुराना पैटर्न जो कि आप बुक से पढ़ते हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है, बुक्स आर प्रेफरेबल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, अगर आप अपना बेस बनाना चाहते हैं. आफ्टर दैट एग्जाम में आपको अपेयर होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए. वो कैसे आएगी? एक्यूरेसी तो आप अपनी प्रैक्टिस से कर लेंगे, पर स्पीड आपको ऑनलाइन पे काम करनी आनी चाहिए. तो इसके लिए क्या सलूशन है? इसके लिए टेस्ट सीरीज आती है. ठीक है, जैसे ये हमारी टेस्ट सीरीज है एसबीआई पीओ प्राइम 2019. इसमें क्या होगा? आपको वही इंटरफेस मिलेगा जो आपका एग्जाम में रहता है. आपको सेम इंटरफेस मिलेगा और आप इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप फेमिलियर हो जाएंगे और वहां आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसके बाद इन टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी. ठीक है, मोर ओवर आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा. अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. सो दीज टेस्ट सीरीज आर रियली बेनिफिशियल एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस. Now next question 4. A useful trade is a mine of gold. ये कौन सी mine है जो earth में होती है? ठीक है, excavate करने वाली mine है ये. Excavation in the earth. He is an old mate of mine. ये क्या है? ये एक reference होता है अपने आप को refer करने का. ठीक है, things associated with the speaker, उसे refer करने के लिए mine है. Different हो गया. The closure of the mine led to large scale redundancy. ये भी earth वाली mine है, ये नहीं होगा. The baby put his tiny hand in mine, yani mera. So, one and three here have different meanings. Next, the way to a man's heart is through his stomach. Ye kaun sa way hai? Ye hai rasta. Theek hai? This is a method. Old dog can alter its way of barking. Ye kya ho gaya? Ek tarika ho gaya. Theek hai? Ye bhi ek method ho gaya. Same ho gaya ye. ये आपका रास्ता हो गया, ये मेथड हो गया. ठीक है, तो ये डिफरेंट है. टू फॉरगिव आवर एनिमीज इज अ चार्मिंग वे ऑफ रिवेंज, ये भी डिफरेंट है. ऑलरेडी वे टू लूज फ्रेंड, ये भी एक तरीका हो गया. यानी ऑल वन टू एंड थ्री आर डिफरेंट हियर. क्वेश्चन 6. क्रिटिक्स एवरीवेयर हैव यूलोजाइज्ड हर न्यू नॉवल. ये कौन सी नॉवल है? ये आपकी नॉवल है जो एक बुक होती है, एक फिक्शियस प्रोज होता है. Her latest novel is eagerly awaited. ये भी similar है.
All the characters in the novel are closely observed. ये भी वही है. The studio is looking for novel concepts to turn into original television series. Novel concepts यानी new ideas. ये different meaning है. So only three has a different meaning. Question 7. The support beams will buckle if the weight placed on them is greater than what they can stand. Buckle यहाँ पर क्या हो गया? Bend होना. One देखते हैं. If I have to carry even one extra pound on top of the 50 I already have, my knees will buckle. Bend हो जाएंगी. Similar हो गया. The paper plate is starting to buckle due to the large amount of food being placed on its flimsy surface. Similar है. He wore a belt with a large brass buckle. ये belt का buckle है. ठीक है. एक pin होता है या belt का strap होता है, उसको hold करने के लिए buckle use होता है. तो three जो है आपका different meaning है. आपको बहुत carefully करना है. Different पूछा है. आप गलती से भी सेम मीनिंग्स मार्क नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा आपने ठीक करा है बट आपका वहां पर -1.25 हो जाएगा. एक जो आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया उसका मार्क्स और 0.25 जो आपका नेगेटिव है. तो डू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. क्वेश्चन 8. टाइम डज नॉट बो टू यू, यू मस्ट बो टू टाइम. बो मतलब झुकना. ठीक है. अ मैन विदाउट मनी इज अ बो विदाउट एन एरो. ये कौन सा है आपका बो? ये तीर कमान वाला बो है. ठीक है. वेपन है, डिफरेंट हो गया. शी टाइड द रिबन इन अ बो. ये भी वही वाला बो है. इवेंचुअली द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू बो टू पब्लिक प्रेशर एंड रिफॉर्म द टैक्स. ये कौन सा है? बेंड वाला है. दिस इज डिफरेंट. तो 1 एंड 2 आपका आंसर है. क्वेश्चन 9. वॉर इज मच टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द मिलिट्री. लेफ्ट मतलब छोड़ देना. टू रिमेन, कॉज टू रिमेन. इससे डिफरेंट देखते हैं. Industry's fortunes right hand and frugality her left. Ye direction ho gaya. Left right. Different ho gaya. I left my bicycle out in the rain. Ye bhi chhodna ho gaya. Ye to same ho gaya. As she left the court, she was confronted by angry crowds who tried to block her way. Ye bhi aapka different ho gaya. Similar ho gaya. To aapka answer ho jayega 1. Question 10 dekhte hain. Jane was willing to accompany you to the park to go out for a walk. Ye park kya hai? Ek leisure park hota hai jaise. ठीक है, गार्डन टाइप का वाला पार्क ही. He crossed the street and walked alongside Central Park. ये भी वही पार्क है. Is it all right to park my car there? ये कौन सा पार्क है? ये है किसी चीज को हॉल्ट करके टेम्पररीली लीव करना वहां पे, जैसे हम कार पार्क करते हैं. डिफरेंट है. नो व्हीकल्स आर परमिटेड इन टू द पार्क. ये भी आपका वही वाला पार्क है, गार्डन वाला. तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2. क्वेश्चन 11. The crane lifted the container off the ship. ये कौन सा कंटेनर है? ये एक मशीन है. क्रेन कौन सी? एक मशीन है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए आती है. वो वाला है, ये मशीन है. नेक्स्ट देखते हैं. A crane had to be used to haul the car out of the stream. This is a same machine. The white crane quivered its wings and flied away. Wings क्रेन के नहीं होंगे. ये जो है क्रेन, ये बर्ड है. ये है डिफरेंट मीनिंग. The little prefabricated hut was lifted away by a huge crane. ये भी similar है. तो आपका different कौन सा है? Only 2. Question 12. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. ये कौन सा lead है? ये आप direct कर सकते हो. ठीक है, किसी को रास्ता दिखा सकते हो, direct कर सकते हो, lead कर सकते हो. Education makes a person easy to lead, but difficult to drive. Easy to govern, but impossible to slave. ये भी वही है. ये आपको direct कर सकता है, but so and so. तो ये similar है. If the blind leads the blind, both shall fall into the ditch. ये भी similar है. Exposure to lead is known to damage the brains of your children. अब ये आपका lead नहीं है, ये lead है. ठीक है, lead जो मिट्टी, एक chemical होता है, एक metal होता है, sorry. ये उसकी बात हो रही है. तो आपका only 3 has a different meaning. Question 13. A tear trickled down the old man's cheek. कौन सा tear है? ये हमारा eyes से निकलने वाला tear है. The dog can tear a rabbit apart in seconds. ये कौन सा tear है? ये फार देना या फोर्स से किसी चीज को पीसेस में ब्रेक करना. तो ये डिफरेंट है. Don't pull the pages so hard or they will tear. ये भी अलग है. I had no scissors to open the bag with, so I had to tear it open instead, which made a mess when I spilled all the chips. ये भी वही tear है. तो यानी ये तीनों आपके इस tear से डिफरेंट है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? All 1, 2, and 3 are different here. आप नन नहीं लगाएंगे. None का मतलब क्या हो जाएगा? None is different. सारे सेम है बट आपको डिफरेंट बताना है. तो all 1, 2, and 3 are different here. Question 14. Fair words and foul deeds cheat wise men as well as fools.
ठीक है, तो ये कौन से फेयर वर्ड्स हैं, ये है जस्ट या अप्रोप्रिएट। फेयर वर्ड्स विल नॉट मेक द पॉट प्ले, ये भी सिमिलर है। द प्रिंस फेल इन लव विद अ फेयर यंग मेडन, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए है, डिफरेंट हो गया। द अ फेयर फेस में हाइड अ फाउल हार्ट, ये भी कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है। तो आपके जो है टू एंड थ्री ये दोनों डिफरेंट है। The last question for the day. Though the steak wasn't preferred, the satisfied customer was content with his meal. ये कौन सा content है? ये है संतुष्ट हो जाना, ठीक है? Peaceful happiness में, मतलब एक in a state of peaceful happiness. Some employees are content with their pay and others will never be happy until they get a raise. Content with their pay, ठीक है? मतलब satisfied है. Similar हो गया. Julie had learned to be content with her life, preferring peace and happiness over change. ये भी similar है. We would spend the time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details. So, website का जो content होता है, वो क्या होता है? Things होती हैं या कुछ ऐसा चीज़ जो you have to include in something. तो three जो है आपका यहाँ different है. Okay, so that's all for today's session. Thank you and have a nice day. Good afternoon, everyone. Welcome to BankerSADDA. Today, we are going to discuss reasoning quiz for IBPS exam 2019, 14 February. So, today is day 22 of CUR IBPS 2019 FATEH. So, now move to question number first. जैसे कि जो हमारे topic है आज की quiz का वो है puzzles. तो हमारे जो आज के topic आज के quiz में 3 puzzles होगी, 5 question each. तो जो हमारी पहली puzzle है, direction 1 to 5. Study the following information to answer the given question. Five girls A, K, D, V and Z are fan of various break dancers. Why is Michael, John, Robbie, Dusty and Justin? तो जैसे कि ये हमारा डेटाबेस पजल है, मिसलेरियस पजल है, इसमें हमें गिवन है फाइव गर्ल्स हैं, गर्ल्स, देन दे आर फैन ऑफ ब्रेक डांसर। And three of these girls like one of the following music artists. और वो music artist के भी fan है। तो जो हमारी girls हैं उनका नाम है हमारा A, K, D, V and Z. तो इसके बाद हमें इसमें given है three of the these girls like one of the following music artists each. Why is Muse, Moby and Michael, while two of them likes Metallica. One of the girls like an artist having the same name as the dancer she is a fan of. So, इसमें हमें given है कि इसमें से एक लड़की ऐसी है जो कि जो उसके जो favorite dancer है वो उसी का same ही नाम है musical artist का, जो कि खाली मतलब एक ही ऐसा option है जो है Michael. तो जो उसका जो वो fan होगी वो Michael की ब्रेक डांसर की फैन होगी, और जो उसका म्यूजिकल आर्टिस्ट को जो लाइक करती होगी वो भी माइकल ही होगा। देन इसके बाद गिवन है हमें डी डज नॉट लाइक मोबी, जो डी है डी मोबी को लाइक नहीं करता, एंड द वन हु लाइक्स मोबी इज अ फैन ऑफ जोन, और जो मोबी को लाइक करता है वो फैन है जोन जोन का। देन हमें गिवन है इसमें वी एंड जेड लाइक नीदर मोबी नॉर मूज, जो वी और जेड है ये मोबी को भी लाइक नहीं करते और मूज को भी लाइक नहीं करते। तो इससे हमें एक चीज पता चल जाएगी कि जो मोबी और मूज को लाइक करेगा तो मोबी को तो लाइक ए या के में से करेगा, और जो मूज को लाइक करेगा वो ए के और डी में से करेगा। देन इसके बाद हमें गिवन है कि वी एंड जेड लाइक नीदर मोबी नॉर मूज, एंड दे आर अ फैन ऑफ नीदर जस्टिन नॉर जोन, जो वी और जेड है ये जस्टिन और जोन के भी फैन नहीं है। देन इसके बाद हमें गिवन है स्टेटमेंट ए एंड के नीदर like Metallica,
ए और के मेटेलिका को लाइक नहीं करते? नोट दे आर अ फैन ऑफ माइकल एंड रोबी, और ये माइकल और रोबी के भी फैन नहीं है। तो अगर हम एक चीज अब गौर करें कि जो माइकल है, दोनों माइकल सेम सेम होंगे, तो अगर माइकल हमारा इसमें ए और के में नहीं आएगा तो माइकल हमारा या तो देखो डी में आएगा या वी में आएगा या जेड में आएगा। और देन अगर हमें जो मोबी और जॉन है, मोबी और जॉन ए के डी में से किसी एक में, डी में भी नहीं आ पाएगा क्योंकि डी में मोबी नहीं आएगा, ए और के में से एक में आएगा। देन हमें गिवन है इसमें नीदर ए और डी लाइक डस्टी, ए और डी डस्टी को लाइक नहीं करते हैं। एंड द वन हु इज फैन ऑफ डस्टी लाइक्स मूज, जो डस्टी का फैन है वो मूज को लाइक करता है। देन हमें गिवन है लास्ट स्टेटमेंट, जेड डज नॉट लाइक माइकल, अगर जेड भी माइकल को लाइक नहीं करता तो माइकल के लिए हमारे खाली एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी जो कि हमारा हो जाएगा डी या वी। तो या तो देखो डी माइकल माइकल दोनों को लाइक करेगा या वी हमारा माइकल माइकल दोनों को लाइक करेगा। और जबकि इसमें हमें गिवन है कि जो मस्ट डस्टी को लाइक करता है वो मूज को भी लाइक करता है, तो डी हमारा डस्टी को लाइक नहीं करता तो डी भी हमारा मूज को लाइक नहीं करेगा। और जो के है, के रोबी माइकल और मेटेलिका लाइक नहीं करता, तो इसमें एक ही बचा वो है मूज, तो के हमारा जो म्यूजिक आर्टिस्ट लाइक करेगा वो हो जाएगा मूज, और वो जो ब्रेक डांसर लाइक करेगा वो हो जाएगी डस्टी। देन इसके बाद हमें अब आगे देखें, तो अगर हम माइकल की बात करें, अब जो मोबी और जॉन है, तो मोबी अगर डी लाइक नहीं करता मोबी को, वी और जेड भी मोबी को लाइक नहीं करता, तो जो मोबी और जॉन आएगा वो ए लाइक करेगा, ए का जो म्यूजिक आर्टिस्ट फेवरेट लाइक करता है वो होगा मोबी, और जो ब्रेक डांसर है वो होगा जॉन। देन हमने इसमें देखा था कि जो डी है, डी डस्टी को भी लाइक नहीं करता, तो डी डस्टी को लाइक नहीं करता ये हमारा फाइनल हो चुका है, इसकी भी जरूरत भी नहीं है। देन डी वी और जेड, अगर हम देखो वी और जेड में देखें, वी और जेड दोनों जस्टिन को लाइक नहीं करते, तो जस्टिन के लिए एक ही जगह बची, जस्टिन के लिए हमारी जगह बच जाएगी मोबी की। और देन हमारा अगर हम अब बात करें वी और जेड की, वी हमारा जो जेड है वो माइकल को लाइक नहीं करता, तो माइकल के लिए एक ही जगह बचेगी वो हो जाएगी वी की, कि वी में जो दोनों प्लेस खाली है, म्यूजिक आर्टिस्ट भी और ब्रेक डांस भी, वो दोनों माइकल होंगे। और हमें गिवन था कि इन फाइव गर्ल्स में से दो गर्ल्स ऐसी है जो मेटेलिका को लाइक करती है, तो जो डी और जेड है वो मेटेलिका लाइक करेंगी। वो बचा रोबी, तो जो Z है वो रोबी को लाइक करेगा। तो अब थोड़ा सा हम इसे क्लियर कर लेते हैं, हमारे फाइनल अरेंजमेंट आ चुकी है। अब देखते हैं इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे इन्होंने। थोड़ी सी ट्रिकी थी क्योंकि सारी इसमें स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव थी, अगर हम सारे नेगेटिव स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करते स्टेट हमारे पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थी। चलो अब देखते हैं इसमें हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे से इन्होंने पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग गर्ल इज अ फैन ऑफ माइकल। तो जैसे कि हमें पता है जो माइकल है उसकी जो फैन है वो वी है, तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्ट मैच ऑफ डांसर एंड गर्ल। अगर डांसर की बात करें तो जॉन ए, जबकि जॉन को ए लाइक करता तो ये भी,
गलत है देन बी ए जोन को लाइक करता है तो ए डस्टी को लाइक नहीं कर सकता. रोबी वी रोबी जेड रोबी को लाइक करता तो ये भी गलत है ऑप्शन सी. देन ऑप्शन डी की बात करें तो जस्टिन डी डी का जो फेवरेट म्यूजिकल ब्रेक डांसर है वो जस्टिन है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने हमारे से पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स मेटेलिका. मेटेलिका को लाइक करता है डी और जेड तो ऑप्शन ए डी जेड इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. द वन हु लाइक्स जस्टिन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक आर्टिस्ट. जो जस्टिन लाइक है वो डी लाइक करता है और जो म्यूजिक आर्टिस्ट है वो मेटेलिका है तो ऑप्शन सी इसका. Who amongst the following girls is a fan of Joan?